आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें इंडियन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही। इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए कोई फीस वगैरह नहीं देनी, बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप है, बच्चों की ड्रीम इंटर्नशिप होती है ये। तो आप लोगों को अप्लाई तो जरूर करना है, आपको ये नहीं करना कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, एक बार अप्लाई जरूर करो यार, सिलेक्शन होना ना होना बाद की बात है। अगर आप अप्लाई ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका सिलेक्शन हो भी सकता था या नहीं हो सकता था। तो वन ऑफ द बेस्ट इंटर्नशिप इस वीडियो में आप लोगों के लिए होने वाली है, पर्टिकुलर सब कुछ एक एक करके मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप लोग ऐसी इंटर्नशिप फ्री कोर्सेज को करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस इंटर्नशिप को मिताक्ष ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप के नाम से जाना जाता है और हर साल ये इंटर्नशिप लॉन्च की जाती है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 सितंबर है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हो इस इंटर्नशिप के लिए। मिताक्ष ग्लोबल लिंक रिसर्च जो इंटर्नशिप है वो आप लोगों को एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऑफर करती है। कनाडा जैसी कंट्री में आप लोगों को जाने का मौका मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक फ्री ट्रिप आप लोगों को कनाडा की प्रोवाइड की जाती है। मिताक्ष की जो ये ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप है, बेसिकली हर साल कॉम्पिटेटिव इनिशिएटिव है ये, जो कि स्टूडेंट्स के लिए चलाया जाता है और ये 12 वीक्स के अराउंड ये इंटर्नशिप आप लोगों के लिए होती है, जिसके लिए आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। तीन मेजर बेनिफिट अगर मैं आप लोगों को बताऊं इस इंटर्नशिप में आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए, तो पहला तो ये आप लोगों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाके नई स्किल सीखने का मौका मिलता है। दूसरा, इंटरनेशनल जो प्रोफेसर्स हैं उनसे सीखने का मौका मिलता है, नई स्किल्स आप लोगों को गेन करने का मौका मिलता है। तीसरा मेजर बेनिफिट, आप लोगों की एक फ्री इंटरनेशनल ट्रिप हो जाती है कनाडा की, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता, आपका एयर ट्रेवल, रहना, खाना पीना सब कुछ फ्री होता है इस इंटर्नशिप में। तो ये इसीलिए ड्रीम इंटर्नशिप बच्चों की कहलाती है। इस इंटर्नशिप में बेसिकली 70+ कंट्रीज यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड है, जो कि आप लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। 70+ यूनिवर्सिटीज आप लोगों को कनाडा में इंटर्नशिप देती है इस इंटर्नशिप के अंडर। यहाँ पे इस इंटर्नशिप में ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज अप्लाई कर सकती हैं, देख सकते हो इंडिया का भी नाम हमें देखने को मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इस इंटर्नशिप के लिए हर साल। तो इंटरनेशनल इंटर्नशिप जो करना चाहते हैं उनके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं इसे कह सकता हूं। बाकी देखो, अगर आप लोग अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो तो आप लोगों को मैं एक ऑनलाइन शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म, उसके बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है गेट स्मार्टर। इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को सर्टिफाइड ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज से आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो इनकी हेल्प से। यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को अलग अलग स्किल्स बेस्ड कोर्सेज मिल जाते हैं, बिजनेस रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड, जो कि आप लोग ऑनलाइन ही इनके कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। इनके कोर्सेज की खास बात यह है कि फ्लेक्सिबल कोर्सेज होते हैं, जो कि एसेसिबल होते हैं, कहीं से भी आप लोग इनके कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर इन्होंने इन कोर्सेज को डिजाइन किया, देख सकते हो आप लोग, MIT हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज हो गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज आप लोगों को इनके प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। इन कोर्सेज में आप लोगों को टाइम टू टाइम क्विजेज मिलते हैं, असाइनमेंट मिलते हैं और 24x सपोर्ट भी आप लोगों को मिलता है। अगर जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस करता है उनके लिए यहाँ पे सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी बच्चे अपस्किल होना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, वर्ल्ड के टॉप एक्सपर्ट से अगर आप लोग स्किल सीखना चाहते हो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में, तो इनके ऑनलाइन कोर्सेज आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। किसी भी कोर्स में इनरोल करते हो आप TRIKIMAN15 ये प्रोमो कोड यूज कर लेना, तो आप लोग को डिस्काउंट भी मिल जाएगा भाई। तो ये आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जो बच्चे कनाडा में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, मिताक्ष ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो देखो, अगर आप लोग ये ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप करना चाहते हो तो सबसे पहले तो यहाँ पे डेट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग। तो इंटर्नशिप की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये अगस्त से लेकर सितंबर मंथ में स्टूडेंट एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अक्टूबर मंथ में आपकी जो एप्लीकेशन आप लोगों ने शेयर की है वो रिव्यू की जाएगी। उसके बाद आप लोगों का नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है, यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप होती है, तो आपकी जो प्रोफेसर हैं उनके साथ आपकी प्रोफाइल शेयर की जाएगी। अगर वो अप्रूव करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे बातचीत कराई जाएगी बेसिकली प्रोफेसर से। उसके बाद फरवरी से लेके अप्रैल के मंथ में प्री इंटर्नशिप प्रिपरेशन आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। उसका जो आप लोग की इंटर्नशिप है वो मई से अक्टूबर के मंथ में इंटर्नशिप चलने वाली, जो कि 12 वर्क्स की इंटर्नशिप होगी, जो कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे आप लोग ये इंटर्नशिप कर रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट एप्लीकेशन में जाएं तो यहाँ पे ये इंटर्नशिप आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट या फिर हम कह सकते हैं क्या क्या ऑफर करता है। तो ये 12 वीक्स की इंटर्नशिप है, जो कि आपकी नॉलेज और आपकी एक्सपर्टीज इंक्रीज करने में आप लोगों की हेल्प करेगी। आप लोगों को यहाँ पे किसी फैकल्टी मेंबर के अंडर इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा इस इंटर्नशिप में। कनाडा की यूनिक रिसर्च लैंडस्केप का एक्सेस आप लोगों को मिलेगा।
प्लस आप लोग के पास चांस होगा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस गेन करने का किसी नई कंट्री में। इसके अलावा जो मेजर बेनिफिट मैं आप लोगों को बताऊं वो एफएक्यू में आपको मिलेंगे। देखो यहाँ पे एफएक्यू में आप लोगों को मेजर बेनिफिट मैं बताऊं तो देख सकते हो, सबसे पहले तो आपको राउंड ट्रिप एयर फेयर टू कनाडा, कनाडा को आने का जाने का आपका किसी भी कंट्री से आप आ जा रहे हो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन आपको फ्री में ऑफर की जाती है, आपको स्टीपेंड भी हाउसिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों को मिलता है, स्टीपेंड भी मिलता है आप लोगों को एनरोलमेंट फीस के लिए $300। इसके अलावा आप लोगों को स्टीपेंड मिलता है फूड एंड इंसिडेंटल्स के लिए, आप लोगों को जो भी बच्चे स्टीपेंड सपोर्ट मिलता है स्टूडेंट मेंटर्स से कैंपस इन कैनेडाज में, प्लस आप लोगों को रजिस्ट्रेशन भी और अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज में भी आप लोगों का रजिस्टर कराया जाता है। ये कुछ मेजर बेनिफिट है जो कि आप लोग को इस इंटर्नशिप में दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस इंटर्नशिप के लिए, तो आप लोग को स्टूडेंट एप्लीकेशन में ही नीचे स्क्रॉल करने पे दिखाई देने लग जाएगा। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट देख सकते हो यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग इंडिया की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, इंडिया लिखा आ जाएगा यहाँ पे, इंडिया पे आप देखोगे तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आप लोग यहाँ से देख सकते हो भाई कि फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप कोई कंबाइंड अंडर ग्रेजुएट मास्टर डिग्री कर रहे हो। अगर ओनली मास्टर डिग्री आप लोग कर रहे हो तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। आप लोग ग्रेजुएशन आपकी जो है वो 2025 में या फिर जुलाई 2026 तक कंप्लीट होनी चाहिए तो आप लोग एलिजिबल हो इस इंटर्नशिप के लिए। इस बीच अगर आप लोगों की जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो रही है तो डिसिप्लिन की बात करें तो आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, जैसे आप बीटेक कर रहे हो कंप्यूटर साइंस से तो भी एलिजिबल हो, बीटेक कर रहे हो अगर आप मैकेनिकल से कर रहे हो सिविल से कर रहे हो तो भी आप लोग एलिजिबल हो। इसके अलावा यहाँ पे आपके 80% मार्क्स होने चाहिए आप लोगों के जो भी आप डिग्री कर रहे हो उसमें, अभी तक जो कुमुलेटिव होते हैं वो एवरेज जो आपके मार्क्स है वो होने चाहिए। इसके अलावा एक मेजर बेनिफिट यहाँ पे इस इंटर्नशिप में आपको कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम की जरूरत नहीं है, जैसे आईलेट्स टॉइफल इस टाइप के जो एग्जाम होते हैं इंग्लिश रिलेटेड वो आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है इस इंटर्नशिप में तो डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पे कनाडा में जाने का मौका मिल सकता है इस इंटर्नशिप के थ्रू। ये मेजर एलिजिबिलिटी थी, मेजर बेनिफिट मैंने आप लोगों को बताई दी इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करने के। अब हम देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है इस इंटर्नशिप के लिए। तो अप्लाई के लिए आप लोगों को मेन पेज पे जाना होगा, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन आप लोगों को मेन पेज पे दिखाई दे रहा होगा, इस वाले बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोगों के सामने ये वाला पेज ओपन होगा, थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा एक एक करके। उसके बाद यहाँ पे ऊपर ही आप लोगों को रजिस्टर का बटन दिखाई देगा, ये वाले बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस बटन पे जैसे ही क्लिक करते हो आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, सबसे पहले जैसे फर्स्ट नेम देना है लास्ट नेम देना है ईमेल आईडी और एक पासवर्ड बना लेना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से एप्लीकेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन का आइकन दिखाई देगा, इस वाले आइकन पे क्लिक करना है आप लोगों को। अब यहाँ पे सबसे मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप इस वीडियो का यही होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को कैसे फिल करना है। इसी के बेसिस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा, जो फर्स्ट राउंड होगा वो इसी के बेसिस पे होगा। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिएगा, एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी सारी डिटेल फिल कर देनी है और देखना है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को यहाँ पे डिटेल फिल करते रहना है। सारी डिटेल जब फिल हो जाएगी तभी यहाँ पे कंप्लीट शो होना दिखाई देगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे आपका नेम क्या है, आपकी मेल आईडी क्या है, ये सारी डिटेल आप लोग एक एक करके, आपका मिडिल नेम सरनेम और आपके पास पासपोर्ट एक वैलिड पासपोर्ट है या नहीं है। देखो अगर अभी आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बाद में आप लोग बना लेना कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। सिटीजनशिप में इंडिया फिल कर देना है, उसके बाद आप लोगों को ये अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की डिटेल ऐड कर देनी है एक एक करके। नीचे स्क्रॉल करोगे एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है, कौन से कॉलेज से कौन सी डिग्री कर रहे हो, कितने मार्क्स हैं, वो सब कुछ मेंशन करना है, कब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। कुछ रिसर्च इंटरेस्ट, कभी आप लोगों ने कोई इंटर्नशिप की है या फिर कोई आप लोगों को कोई रिसर्च वर्क पे आप लोगों ने कभी काम किया है वो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। उसका नेक्स्ट आप लोगों को कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं। एक्सपीरियंस विद मिताक्ष, आप लोगों ने कभी मिताक्ष का नाम किस तरीके से सुना है नहीं सुना है वो कुछ बेसिक से डिटेल आप लोगों को फिल कर देनी है। उसका एकेडमिक रेफरेंसेस आप लोगों को ऐड करने होंगे, किसी टीचर का रेफरेंस देना चाहो जो कि आपके कॉलेज का ही होना चाहिए जिससे आप का, और आप लोगों को एक रेफरेंस लेटर भी अपलोड करना होगा जो कि आपके कॉलेज के किसी प्रोफेसर का होना चाहिए। एक्नोलेजमेंट में आप लोगों को एक्नोलेजमेंट डिक्लेरेशन ऐड करना है। माई प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि यहाँ पे आप लोगों को प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, तो मिनिमम 3 प्रोजेक्ट तो आप लोग सेलेक्ट करिएगा, मैक्सिमम 7 प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। एक छोटी सी टिप रहेगी आप लोगों के लिए कि मैक्सिमम 7 तक आप लोगों को ऑप्शन दिया जा रहा है तो 7 के 7 आप लोग प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा।
उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में, ये डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दीजिएगा और लास्ट में आप लोगों के सामने सेव ऑप्शन आ जाएगा। इस सेव ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा और ये सारी डिटेल सेव करने के बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा लास्ट में कि ये इनकम्प्लीट जो था वो कम्प्लीट हो गया है या नहीं। तो इस तरीके से आप लोग को अप्लाई करने 21 सितंबर तक आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।